8 अक्टूबर 2024 और 8 बजने का इंतजार सभी को, जिसको लेकर अभी फिलहाल की मैं बात करूं तो 8 बज चुके हैं। आप लोग जानते हैं वोटों की गिनती स्टार्ट हो चुकी है, जिससे पहले तस्वीरें लगातार लाइव आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कड़े सुरक्षा के इंतजाम के बाद जो है वो अभी फिलहाल आप लोग जानते हैं कि घड़ियों पर आप लोगों के 8 बज चुके हैं। सभी की नजर इस समय जो है वो इसी चीज पर टिकी है कि क्या कुछ निकल कर तस्वीरें सीधी साफ तौर पर इस समय आप पॉलिटेक्निकल कॉलेज से देख पा रहे हैं, जहां पर सभी को इंतजार था कि अब 8 बजे जो है वो शुरुआत हो जाएगी। और इस समय की मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर के लिए फिलहाल केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की पहली सरकार का फैसला आज होगा, जिसके लिए काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के इस समय हर चौक चौराहे पर कड़ी सुरक्षा के बीच फोर्सेस की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग, एक लंबे अंतराल के बाद जब आखिरकार चुनाव हो रहे हैं तो सभी की नजरें इस पर है कि क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। और ये सीधे तौर पर तस्वीरें आप लोग अपनी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, आज जम्मू कश्मीर के विभिन्न जगहों पर पूरी तरह से सिक्योरिटी को जो है वो टाइट कर दिया गया है फिलहाल। और इसी के साथ ये तस्वीरें जो है वो आप देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर जो काउंटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। देखिये, सभी लोगों ने अपने अपने वोट का इस्तेमाल किया है, अपने अपने हकों का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद परिणाम आज निकलकर सामने आएंगे और ये चीजें तमाम तो साफ तौर पर जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी कि आम जनता ने किसे चुना है। आम जनता अपनी सरकार चलाने के लिए किस व्यक्ति की जो है वो कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू को चाहती है, किस व्यक्ति की विचारधारा के साथ चलना चाहती है। आएंगी इससे पहले की तस्वीरें लगातार आप इस समय जो है वो पॉलिटेक्निकल कॉलेज जम्मू से देख पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर आज काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। आम जनता इस पर अपनी अपनी राय को साथ ही साथ जरूर भी रखे। अभी आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की फिलहाल बात की जाए, जम्मू कश्मीर की विभिन्न डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ किन लोगों ने जो है वो किसे चुना है, जो है आम जनता क्या चाहती है, चुनावी मैदान में उतर कर कौन जो है वो आगे की रणनीति चलाए, किसके सर पर जो है वो जीत का सेहरा सजे, तमाम चीजें आज स्पष्ट हो जाएंगी। इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि 10 साल एक लंबे अंतराल के बाद विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये बहुत अहम और बहुत दिलचस्प चुनाव जो है वो रहे हैं। इसके बाद जो है वो हकों का इस्तेमाल किया, वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया, मतदान दिया, जिसके बाद आज जो है आप लोग जानते हैं कि काउंटिंग है। जो तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, 8 अक्टूबर का इंतजार सभी को था कि रिजल्ट क्या कुछ सामने आएंगे, जिसके बाद 8 बजने का इंतजार था कि 8 बजे गिनती जो है वोटों की वो शुरू हो जाएगी, जिसके बाद 8 बज चुके हैं अपनी अपनी घड़ियों पर और अब सभी की नजर इस पर है कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। देखिए, लोगों ने अपने अपने हकों का इस्तेमाल किया है, पर अब लोग किसके सर पर जो है वो जीत का सेहरा सजाते हैं, तमाम चीजें आज स्पष्ट हो जाएंगी क्योंकि आज रिजल्ट है। सभी की धड़कनें इस समय बड़ी हैं, एक लंबे अंतराल के बाद जब कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव हुए, लोगों ने काफी इंटरेस्ट उसमें दिखाया, बढ़ चढ़कर इंटरेस्ट दिखाया। लोग अपना अपना वोट डालने अपने अपने घरों से बाहर आए, दूर दराज के लोग जो है वो बाहर निकलकर सामने आए, जिसके बाद इंतजार किया जा रहा था अब 8 तारीख का। और 8 तारीख के बाद आज आप देखेंगे पूरी सिक्योरिटी के बीच जो है वो इस समय आप देखें, यहाँ पर एडीसी यहाँ पर मौजूद है। अभी फिलहाल आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन की तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और इसी के साथ साथ आप देखेंगे प्रशासन अधिकारी यहां पर हैं। प्रशासन अधिकारी के साथ सुरक्षा बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है। इस समय जम्मू के हर चौक चौराहे पर होने वाली एक्टिविटी को पूरी तरह से देखा जा रहा है। सीसीटीवी कैमरा से निगरानी जो है वो जम्मू शहर में होने वाली हर एक्टिविटी पर की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, सुरक्षा बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है, जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती जो है वो की गई है। ये तमाम चीजें जो है वो फिलहाल अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलो, तस्वीरें जो है वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखें, तमाम जो तस्वीरें हैं, तमाम जो सिक्योरिटी की तस्वीरें हैं वो आप लोगों ने देखी है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर तैनाती जो की गई है, चाहे वो सुरक्षा बलों की तैनाती हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती हो। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर फिलहाल जायजा लेने पहुंचे हैं। इसी के साथ साथ जो जो उम्मीदवार इस समय काउंटिंग स्टेशन पर आएंगे, फोन जो है वो अलाउड नहीं होंगे किसी को भी यहाँ पर जो भी लोग अंदर आते हैं, फोन किसी को भी अलाउड यहाँ पर नहीं किए जाएंगे। इससे पहले तस्वीरें साफ तौर पर जो है वो अपनी अपनी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए, बड़े पैमाने पर आपको बता दें, आज सभी की धड़कनें इस समय तेज है। जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी बात की जाए या उसके अलावा तमाम लोगों की बात की जाए, इस समय सभी की धड़कनें जो है वो तेज हो चुकी हैं कि क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्या चीजें जो है वो बहुत खास होने वाली है। देखिए,
देखें, इस समय राजौरी पुंछ की बात की जाए, सिक्योरिटी को लेकर जम्मू कश्मीर के हर चौक चौराहे पर इस समय पेश किया गया है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लगे गए हर कैमरा से इस समय शहर में होने वाली हर एक्टिविटी पर निगरानी रखी जा रही है। बहुत दिलचस्प ये चुनावों का परिणाम होने वाला है, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने बेसब्री से इन चुनावों का इंतजार किया। जिसके बाद जब चुनाव सामने आए तो लोगों ने बहुत इंटरेस्ट उसमें दिखाया, बढ़ चढ़कर मतदान दिए। जिसके बाद अभी की फिलहाल मैं बात करूँ तो अभी आप देख पा रहे हैं चुनावों के रिजल्ट से, परिणाम से ये साफ हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर की जनता किस विचारधारा के साथ चलना चाहती है और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में किस तरह के काम किए जाएं, क्या कुछ खास रहा जाए, ये तमाम चीजों पर जो नजर है वो फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस बनाएगी। ये भी आप तस्वीरें जो है वो देख पा रहे हैं। तो इसी के साथ साथ अभी की मैं फिलहाल बात करूं तो ये लाइव तस्वीरें जो है वो एनी टाइम के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। देखिए जैसे ही परिणाम सामने आएंगे या एक के बाद एक चीजें जो है वो क्लियर होती जाएंगी, स्पष्ट होती जाएंगी, वो तमाम चीजें आपके सामने फिलहाल हम रखेंगे। तो अभी तक की तस्वीरों के साथ आप लोगों को पॉलिटेक्निकल कॉलेज जम्मू से तस्वीरें दिखाई है, जहां पर काउंटिंग स्टेशन बनाया गया है, सेंसस बनाया गया है। आगे की तमाम जानकारियों के लिए, आज पल पल की अपडेट्स के लिए आप लोग देखते रहे अर्ली टाइम्स को। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।